कैसे हो आप सब लोग। आज है 23 अप्रैल 2018 और हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे ऑसम एमसीक्यूज। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लास्ट अब क्या करें लास्ट 30-40 डेज में। मैं यही बोलूंगा कि जो भी आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए और उसको वीकनेस कुछ भी मत छोड़ना, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो जाएगा। अभी भी आप कुछ कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, एटलीस्ट कुछ क्रैश कोर्सेज तो आप देख ही सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी आपका स्कोर आता है प्लीज कॉमेंट्स में लिख देना और चालू करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो गाइज, आज है 23 अप्रैल 2018 और हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज। ये स्कोर कार्ड है तो प्लीज इसमें लिख देना unacademy.com/plus पे काफी सारे ऑसम कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न। आज इसकी लास्ट डेट है तो प्लीज आप इसमें एनरोल कर लेना। और लास्ट मिनट प्रैक्टिस टू क्वालिफाई सीसेट पेपर 2, तो इसमें भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है क्योंकि काफी लोग इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, सो और उसके अलावा जैसे इकोनॉमी है, UGC नेट, SSC, CGL, RBI, ग्रेड भी, काफी सारे कोर्सेज हैं। जैसे क्वांट में अभिनय शर्मा भी कोर्स ले रहे हैं तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। मैं खुद एक ऐसे में कोर्स ले रहा हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। चालू करते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट करके है तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से फंक्शन होते हैं इसमें CDSC हो के, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, हाँ ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है इसका, अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ये इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये स्टेट अथॉरिटीज़ का है, सेंट्रल अथॉरिटी का नहीं है। तो आंसर है इसका ए, 1 और 2 ओनली। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, प्राइमरीली इट इज़ द कंसर्न ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ए, 1 और 2 ओनली। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के लिए प्रोवाइड करता है जो कि 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं, ये 2 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर एंटिसिपेटरी बेल अगर आप रेप या गैंग रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 16 ईयर्स के अक्यूज हो तो। ये भी सही है, तो वो 2 महीने में होना चाहिए, 6 महीना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 2 महीने और यहाँ पे, ये सही है। आंसर है B2 ओनली। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अभी काफ़ी ह्यू एंड क्राई चल रहा है। अभी एक ऑर्डिनेंस में वो भी हुआ है कि 12 साल से नीचे की डेथ पेनल्टी ऑर्डिनेंस में पास करी गई है। तो देर विल बी नो प्रोविजन फॉर एंटिसिपेटरी बेल अगर आप अक्यूज हो एक रेप या गैंग रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 16 ईयर्स के। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका B2 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल है कि भाई आप पैसे लेके भाग गए, देश छोड़ गए, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बिल एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को, उस पर्सन को डिफाइन करता है जिन्हें 1000 करोड़ का स्कैम किया है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। 1000 करोड़, मान लो किसी ने 800 करोड़ का किया है तो उसको नहीं मानोगे, 100 करोड़ है इसकी लिमिट, 15 मिलियन डॉलर है। ऑफेंसेस जो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है वो परव्यू ऑफ दिस लॉ में, फिर दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 100 करोड़ है ना कि 1000 करोड़। तो आंसर है इसका D, neither 1 nor 2। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर या एक एनी इंडिविजुअल है जिसके अगेंस्ट एक वारंट निकाला गया है फॉर अरेस्ट इन रिलेशन टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो छोड़ देता है या फिर जिसने कंट्री को छोड़ दिया है टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, या जो रिफ्यूजेस टू रिटर्न टू इंडिया टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और ऑफेंसेज विच इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ 100 करोड़ और मोर फॉल अंडर द परव्यू ऑफ दिस लॉ। तो आंसर है इसका D, neither 1 nor 2। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कायाकल्प अवार्ड स्कीम एम्स टू इम्प्रूव क्लीनलीनेस, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन, तो ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में है। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, कायाकल्प अवार्ड स्कीम इसलिए है, कायाकल्प का मतलब होता है कि लुक्स, ओके, और फिजिकल लुक्स उस टाइप से। तो कायाकल्प अवार्ड स्कीम का एम है कि भाई हम क्लीनलीनेस, साफ सफाई, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बेस्ट कैसे कर सकें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में, तो वो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो करंटली किन चीज़ों के लिए अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए बिल्कुल है साहब, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए भी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए भी हैं। तो इंडिया की हायरार्की कैसी होती है मेडिकल पता है आपको गवर्नमेंट्स में, तो जैसे हम जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो हम सब सेंटर में जाते थे, सब सेंटर सबसे छोटी चीज़ होती है, आंगनवाड़ी होती है बट उसमें डॉक्टर कभी नहीं मिलेगा। सब सेंटर में कभी कभार डॉक्टर जाते हैं, वहाँ पे OPD चेक करते हैं, उसके बाद होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे हमेशा एक डॉक्टर रहता है अगर वो 24/7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो। फिर हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता था वहाँ जाते थे, और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था अगर वहाँ पे भी कुछ नई चीज़ हुई ठीक, तो फिर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल भी होता है। तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है इससे रिलेटेड। तो नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया है कीपिंग इन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एज वेल एज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस,
और अभी करंटली अवेलेबल किसके लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए हैं। तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। छठा क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम्स और एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से एक्ट के अंडर पेसो इंटरेस्टेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एक्सप्लोजिव एक्ट है, पेट्रोलियम एक्ट भी है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, चारों के लिए ही है। तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों के लिए है ये। तो स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब समझते हो ना आप, पैसो का मतलब किसी एक्ट के अंडर जो बनाए। तो पैसो इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर, एक तो एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884, उसके बाद है पेट्रोलियम एक्ट 1934, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट 1952, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो चारों के केस में ही जो पैसो है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरेस्टेड। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ आवर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट होता है, एक सिम्बॉलिक इवेंट है, एक उस पर्टिकुलर घंटे पे 24 मेजर सिटीज होती हैं अपने अपने पूरी सिटी का जो मेजर लैंडमार्क्स होते हैं वो तो क्लोज करती हैं, उसके अलावा सिटीजन्स भी एनकरेज होते हैं कि आप अपनी लाइट्स बंद कर दो उसे एक घंटे के लिए। कई फायदा हो जाता है उससे, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये किसका इनिशिएटिव है, अभी ये क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को लगेगा IUCN का होगा या यूनाइटेड नेशंस का होगा, इवन वर्ल्ड बैंक का होगा, बट एक्चुअली आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ही इनिशिएटिव है, आंसर है इसका बी। तो अर्थार एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, और 2007 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इनिशिएटेड अर्थार किस तरीके से, एज अ वे ऑफ एंगेजिंग अ ब्रॉड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि जितने भी सिटीजन्स उनको चैलेंज कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया जो है इट इज इन टॉक्स विद द फॉलोइंग कंट्रीज टू एक्वायर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, किससे बात चल रही है इंडिया की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए। सर एंड मैम इसका आंसर है बी, रशिया। तो रशिया के साथ इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया बेसिकली रशिया से बात कर रहा है टू एक्वायर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। प्लीज ये याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन UPSC सीधे पूछ लेता है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, काट्सा के ऊपर एक क्वेश्चन है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी, ठीक है। तो ये किस, ये बेसिकली एम कर रहा है एवरी कंट्री जिसके मिलिट्री एनर्जी कनेक्शन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये बहुत ही सिंपल है, देखो USA का रशिया के साथ 36 का आंकड़ा है, पहले कोल्ड वॉर हुआ करीब 40 साल चला, उसके बाद USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, अभी और वॉर चल रहा है। तो रशिया के साथ जिस भी कंट्री के मिलिट्री एनर्जी कनेक्शन हैं उन्हीं के अगेंस्ट डायरेक्टेड है। तो आंसर है इसका बी, रशिया। तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट इट इज एम्ड एट एवरी कंट्री जिसके मिलिट्री इंटेलिजेंस एनर्जी कनेक्शन हैं विद रशिया। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, दसवें नंबर पे, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। मनु भाकर शूटिंग के लिए, ये भी सही बात है। संजीता चानू वेट लिफ्टिंग के लिए है, रेसलर नहीं है, गलत है। PV सिंधु तो सबको पता है बैडमिंटन, तो आंसर है B 124, संजीता चानू वेट लिफ्टिंग के लिए फेमस है। तो ये लेसन देखने के लिए धन्यवाद।